नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मॉर्निंग ब्लॉग बच चुकी है अभी आप तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये खुशी भी उठ गई है तो चलो। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और सबका नाश्ता हो गया, खुशी भी खा लिया। खुशी को खुआते खुआते देर हो जाती है तो जल्दी से मैं साफ़ सफाई कर लूँ पहले। तो यह सफाई करके रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी चारों पोछा और खुशी को भी नहलाना है। तो अभी ये देख रही है टीवी, तो जल्दी से मैं साफ़ कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कोफ्ते की रेसिपी कैसे बनाती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये बना रही हूँ मैं जो घिया के कद्दू करके, यहाँ पे पकौड़े जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। शायद ये पहले भी वीडियो बनाई है जो शुरुआत से लेके दिखा रही हूँ, तो वहाँ पे पहले देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने जहाँ से पकौड़े बनाती है वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये है लहसुन और प्याज मैंने करके रखी है। और ये तेल गरम हो गया तो मैंने डाल दिया यहाँ पे जीरा। तो ये देखिए, भुनने के बाद हो गई। तो यहाँ पे मैं डालूँगी अभी लहसुन की पेस्ट। तो बहुत ही इजी है ये कोफ्ते की रेसिपी। तो यहाँ पे घिया को कभी कभी ऐसे ऐसे बना के ही खाती है। तो
हर जगह पे अलग अलग होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे बनाती हैं, तो मुझे भी नहीं पता था पहली बार। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे डाल दिया नमक, और यहाँ पे डाल दिया चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच डाल दिया मैंने लाल मिर्च, और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं एक चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि गरम है ना, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे पहले बार तो मैं जब आई थी तब मुझे बनाने नहीं आती थी ये एक हफ्ते के सब्जी, तो बहुत टाइम बाद मैंने ये सीख लिया है। तो ये हो गई प्याज रेडी, तो उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। उसके बाद ये है पकौड़ा हो गई है, उसको रखी हुई है। तो उसके बाद ये मसाला तैयार हो गई है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी पहले, उसके बाद 2 मिनट तक मैं उसको पकाऊँगी। ये देखिए 2 मिनट तक अच्छी तरह से ये मसाला पक जाएंगे। उसके बाद और थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये कोफ्ते डाल दिया है, तो तैयार हो गई है मेरी सब्जी। A few moments later. तो ये देखिए, ये हमारे घर में लगी हुई है अमरूद, बहुत सारे इस पर तो लगी है, पता नहीं रहेगी कि नहीं, फूल दिया है बहुत सारे। तो पिछले बार तो मिला ही नहीं, बंदर ही नहीं छोड़ते यहाँ पे, तो बस एक लास्ट टाइम में एक मिला था खाने के लिए। तो ये देखिए बहुत सारे, ये देखो हमारी खुशी अकेले ऊपर चढ़ने लग गई है, वेट ही नहीं किया मुझे, पहले ही चढ़ गए ऊपर। ये देख रही है ऊपर शेरू है कि नहीं, मामा क्या हुआ, ऊपर देख रही शेरू है कि नहीं। दोनों के बीच बहुत फ्रेंडशिप है, तो खेलने के लिए बस ढूंढ रही है शेरू को। चलो आजा नीचे आजा, लगी ना लगी ना, अच्छा शेरू आ गई, शेरू शेरू आ गई, देख शेरू हमारी, शेरू भी आ गई, हीरो भी आ गई, शेरू भी आ गई, हमारे हीरो भी आ गई, इधर आ गए हीरो भी। चल चल, की करेगी दोनों, की करेगी अभी दोनों, की करना है मुझे, भागा भागा के, मुझे भागा भागा के इधर। चल खेल खेलो, गर्मी है ना आज, गर्मी है। शेरू भागी भागी भागी, किधर 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 जा। हमारे घर के सामने एक छोटा सा बाग है, ये देखिए बहुत सारे कुछ लगा हुआ है, भिंडी करेले घिया और तोड़ी सब कुछ लगी हुई है। छोटा सा जगह है तो फिर भी बहुत कुछ लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रही है बंदर, पूरा पानी पी रही है, ठंडा पानी आ रहा है ना, तो यहाँ पे नहाने की कोशिश कर रही है और पानी पी रही है। गर्मी भी बहुत है ना यहाँ पे, तो ये खुला है तो जगह कोई नहीं है घर में, तो ये बस घर में कोई नहीं होती यहाँ पे, तो ये पूरा बंदर आराम से पानी पी के नहा के ऊपर आ गई। देखो कुत्ते को भी नहीं डरती यहाँ पे, तो इंसान टग को भी नहीं डरती। ये देखो कुत्ता को देखे फिर आगे ऊपर, उल्टा कुत्ता को डरा रही है। कभी झुंड करके आती है ना तो डर लगता है हमें भी। देखिए चली गई उधर, इलू 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 इलू।
इधर शेरू की कर दिया, इधर हो। शेरू भाग गए, बंदर भाग गई, बंदर भाग गई इधर। ये देखिए आप लोगों को एक चीज़ सिखाऊंगी, ये देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे बना के रखती है गोबर के गोए, ऐसे गोल गोल बना के धूप में सुखा के रखे है, फिर ऐसे बेचती है। ये पूरा बहुत मेहनत वाले काम है, गोबर को अच्छे से भून के उसको बना के रखती है रोटी जैसे, फिर सुखाती है। हमारे यहाँ पे वोटिंग के इलेक्शन के प्रसारण चल रहे हैं, देखिए कांग्रेस का